छत्तीसगढ़ में परिसीमन को लेकर कांग्रेस पार्षदों की बैठक बुलाई गई, जहां महापौर एजाज झेबर की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में सभी कांग्रेसी पार्षद मौजूद रहे। कांग्रेस पार्षदों का सरकार पर आरोप कि परिसीमन पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वार्ड परिसीमन पर रोक, पूर्व मंत्री शिव डहरिया का बीजेपी पर निशाना। बीजेपी कर रही परिसीमन पर सियासत, अपने लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है बीजेपी। हर 10 साल बाद होता है परिसीमन, डहरिया ने बीजेपी पर निशाना साधा। पहले ही कह रहे थे कि परिसीमन जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए वार्डों में उनके हिसाब से परिसीमन किया जा रहा था, जो निहायत ही गलत था, क्योंकि परिसीमन जो है हर 5 साल में नहीं होते, 10 साल में होते हैं। जिस तरह जनगणना 10 साल में होता है, वैसे ही परिसीमन भी जनगणना के आधार पर होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को राजनीति से जोड़कर देख रही थी और अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए परिसीमन कर रही थी, जिसको हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। वहीं बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 2014 में जातिवाद और क्षेत्रवाद के आधार पर परिसीमन कराया था। कांग्रेस ने निकाय में अध्यक्ष और महापौर की प्रक्रिया को भी बदल दिया। परिसीमन पर हाईकोर्ट के रोक लगने पर केदार गुप्ता ने कहा कि शासन और प्रशासन मिलकर इसका हल ढूंढेगा। 2011 की जनगणना के हिसाब से 2014 में परिसीमन हो चुका था, पर जब भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार आई तो अपने फायदे के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए क्षेत्रवाद और जातिवाद के आधार पर फिर से परिसीमन कर दिया। और खाली परिसीमन क्षेत्रवाद जातिवाद के हिसाब से नहीं किया, बल्कि निकाय में अध्यक्ष और महापौर के चुनाव की प्रक्रिया को भी बदल दिया। एक पार्षद को बहुमत के आधार पर, खरीदी बिक्री के आधार पर अध्यक्ष और महापौर का चुनाव का अधिकार दे दिया, तो निश्चित रूप से इससे युक्त कारण दिखाई पड़ता है कि फिर से इसका परिसीमन होना चाहिए। और माननीय हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। शासन प्रशासन अपना पक्ष रखेगा और आग्रह करेगा कि ये परिसीमन पहले क्षेत्रवाद जातिवाद के हिसाब से है, राजनीतिक लाभ से कांग्रेस ने किया है, इसलिए इसका युक्तिकरण करने के लिए फिर से इसका परिसीमन आवश्यक है। और से दूर करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश जुड़ गया। आकाश, वार्ड परिसीमन को लेकर सियासत हो रही, एक तरफ जहां विपक्ष दलों को निशाना साधा जा रहा है तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि जातिगत परिसीमन कराए जाने का आरोप लगा रही है बीजेपी पर। देखिए, कल ही हाईकोर्ट ने परिसीमन पर रोक लगा दिया है और इसका विकल्प जो है शासन प्रशासन स्तर पर ढूंढा जा रहा है, लेकिन इसको लेकर जो है भाजपा कांग्रेस में राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस जातिवाद से प्रेरित होकर जो है वो परिसीमन करा रही थी और ये पूर्व में भी जो परिसीमन हुआ है उसका एक उदाहरण है, तो ऐसे में पक्षपात रूप से परिसीमन हो रहा था, ये भाजपा का सीधे तौर पर कांग्रेस पर आरोप है। तो कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि राजनीति से प्रेरित होकर जो है वो भाजपा परिसीमन करा रही है, परिसीमन को लेकर राजनीति तेज हो गई है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। लेकिन हाईकोर्ट का स्टे है और इसको लेकर हल ढूंढा जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जो है नगरीय निकाय चुनाव है तो इसको किस तरीके से करवाना है, कई वार्डों का परिसीमन होना है, जो प्रक्रिया शुरू हो गया था उसके लिए दावा आपत्ति भी आ गई थी, तो तमाम प्रक्रियाओं के बीच है जो है हाईकोर्ट का रोक है, बड़ा फैसला है, तो इसके विकल्प पर विचार भी हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आकाश जानकारी के लिए। तो अब देखने के विकल्प क्या होगा, क्योंकि विचार तो किया जा रहा है। अब आगे बढ़ेंगे जहां पर दुर्ग में पीने के पानी की भीषण किल्लत देखी जा रही है। पिछले 5 दिनों से शहर में पानी की समस्या बनी हुई है। दरअसल इंटक वेल में खराबी आने के कारण ये स्थिति बनती हुई नजर आई है। निगम के सारे दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 70% आबादी को पानी नहीं मिल पा रहा है, पानी के लिए लोग भटकने के लिए मजबूर हैं और कई इलाकों में तो टैंकर के माध्यम से पानी उपलब्ध कराए जाने का दावा निगम प्रशासन करता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बहुत बड़ी संख्या है जिसे पानी नहीं मिल पा रहा है और अब नगर पालिक निगम के तमाम दावे खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार इंटक वेल में मरम्मत का काम होता है और उसके बाद पानी की जो सप्लाई होती है उसको रोक दिया जाता है, लेकिन इस बार 5 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, शहर में पानी की समस्या बनी हुई है। गरियाबंद में स्कूल की छत का प्लास्टर गिर गया, पढ़ाई कर रहे छात्रों की बाल बाल जान बची। छोरा ब्लॉक के चुरकी दादर प्राथमिक स्कूल में यह हादसा हुआ है। करीब 50 छात्र कर चुके हैं स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे 50 छात्र और इसी दौरान ये प्लास्टर गिर पड़ा। तकरीबन 8 महीने पहले ही भवन की मरम्मत हुई थी। लगातार
सीपेज का काम हो रहा था, प्लास्टर का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया और समय रहते शिक्षक की सूझबूझ से सभी छात्रों को बाहर निकाल लिया गया। ठेकेदार के काम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और ये कहना है स्कूल का कि यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से प्लास्टर फूल गया और गिर पड़ा। कांकेर से बड़ी खबर का रुख, जहां कांकेर में ट्रेन हादसा हुआ। बरगद का पेड़ रेलवे ट्रैक पर गिर पड़ा, इंजन के पहिए पटरी से उतर गए, सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। दिल्ली राजहरा से भानु प्रतापपुर जा रही थी ट्रेन, लगातार बारिश के कारण यह हादसा होना बताया जा रहा है। खबर कांकेर से है, जहां पर कांकेर में ट्रेन हादसा हुआ, बरगद का पेड़ रेलवे ट्रैक पर गिर पड़ा, इंजन के पहिए पटरी से उतर गए और सभी यात्री हालांकि सुरक्षित बताए जा रहे हैं। दिल्ली राजहरा से भानु प्रतापपुर ये ट्रेन जा रही थी और इसी दौरान तेज बारिश के चलते ये हादसा हुआ है। बलरामपुर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, जहां लकड़ी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। घर से बड़ी मात्रा में साल की लकड़ी भी जब्त की गई है। तातापानी स्थित आरोपी के घर से 64 मिले हैं। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, एक फरार है, पुलिस लगातार उसकी भी तलाश कर रही है। लकड़ी तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां आरोपी के घर से 64 मिले हैं, ये कीमती लकड़ी जब्त की गई है। दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, एक आरोपी लेकिन फरार बताया जा रहा है। बलौदा बाजार में बांध टूट गया। जी हां, सिमगा विकासखंड में टूटा बांध, जहां सड़क पर पानी भर गया। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल बांध टूट जाने की वजह से जो पानी है वो आसपास के इलाकों में भर जाता है और उसके चलते अलर्ट जारी किया गया है। बलौदा बाजार से आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर बांध टूटा, सिमगा विकासखंड में टूटा बांध, सड़क पर भरा पानी, प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। संवाददाता योगेश यादव जुड़ गए हैं। योगेश, बांध टूट गया, किस तरीके की स्थितियां बनी इस दौरान? यह नदी नाले उफान पर है और इसी के चलते सिमगा विकासखंड के जो दरचूरा स्थित जो बांध है वो बांध अत्यधिक बारिश की वजह से टूट गया। टूटने के बाद देख सकते हैं, एक और वीडियो से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि लोग किस तरह से सड़क के उस पार और सड़क में पूरा जो बांध का पानी है आ गया है और अभी भी पानी थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि वो बांध का पानी है। और जब तक कोई भी प्रशासन के अधिकारी वहां पर नहीं आते, प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है क्योंकि बांध का पानी है, अभी बारिश चल ही रही है, ऊपर से पानी आ रहा है। इसके चलते जब तक स्थिति सामान्य हो जाएगी तब तक प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया। लगातार बारिश के बाद ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है कि बांध टूट गया, नदियां उफान से पानी भी भर गया है। जी बिल्कुल योगेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो नदियां उफान पर, आसपास का जो जल क्षेत्र है वो पूरा भरा हुआ है और इसके चलते अब लोगों को अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि नदियों के आसपास ना जाएं। तो ये तस्वीरें अब आप एक बार देखिए, जब बांध के टूट जाने की वजह से जो सिमगा विकासखंड है, आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर पानी भर गया है। जो छोटी नदियां हैं वो पूरी पानी से लबालब भर गई हैं और बहुत तेज धार के साथ पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। कुछ जो छोटे पुलियां हैं वो डूब चुके हैं और इसके चलते अब प्रशासन यहां पर अलर्ट भी जारी कर दिया है, जहां पर ये कहा जा रहा है सभी ग्रामीण इलाकों में कि भाई पानी के पास आपको नहीं जाना है, नदियों के पास आपको नहीं जाना है, ताकि किसी भी तरीके का कोई जोखिम ना हो। और उसके बावजूद आप देखेंगे कि जो एक पुल है या रपटा है उसे पार करके या वहां पर खड़े होकर लोग इस नजारे का आनंद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से रोक लगाई गई है, बावजूद इसके लोग मानते नहीं हैं और हादसों को दावत देते हैं। बलौदा बाजार की पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिमगा विकासखंड में बांध टूट गया और यहां पर प्रशासन अलर्ट भी जारी किया, बावजूद इसके लोग आपको यहां पर नजर आ जाएंगे जो कि रपटे के ऊपर खड़े हुए हैं और इस नजारे का आनंद लेते हुए नजर आए हैं। ये सीधी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये बांध के टूटने के बाद जो पानी इलाके में फैल रहा है वो तस्वीर आप देख रहे हैं। तो बीजापुर में बारिश में जनजीवन प्रभावित है, कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है, यहां नदी नाले उफान पर हैं। वहीं नगर सेना के जवान बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। जवानों ने प्रसूता और नवजात को पेधा कव्वाली नदी पार कर अस्पताल पहुंचाया। अच्छे से पकड़ो, ये तस्वीर आप देखिए। दरअसल बारिश के मौसम में कई ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर ऐसी
तस्वीरें सामने आती हैं जब नवजात बच्चों का रेस्क्यू किया जाता है या फिर जो प्रसूता हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, और ऐसे ही कुछ मामला यहां पर भी सामने आया जहां बारिश से जनजीवन प्रभावित और किस तरीके से कड़ी मशक्कत करके जो बच्चा है उसे सुरक्षित स्थान पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बिलासपुर जिले में नदी नाले उफान पर हैं, लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कलेक्टर अवनीश शरण ने बाढ़ नियंत्रण टीम समेत सभी अधिकारियों को अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए तेज की तैयारियां और बाढ़ से निपटने के लिए क्या क्या इंतजाम किए जा सकते हैं उन तमाम चीजों को पुख्ता किया गया है। कलेक्टर ने खुद इस पूरे मामले में नजर बना रखी है क्योंकि जिले में तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, कहीं भी जोखिम भरी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। शहरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पे 2-3 घंटे के लिए जब ज्यादा बारिश होती है तो जल भराव होता है, बट उसको भी निकासी का काम नगर निगम की टीम करती है। इसके साथ साथ अचानक से बाढ़ आती है या कुछ भी, उसके लिए भी हमारा कंट्रोल रूम तैयार है और सभी जो हमारे SDM से और तहसीलदार हैं और नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम कमिश्नर जोन कमिश्नर्स हैं, सबको बताया गया है कि जो भी आपद स्थिति अगर क्रिएट होती है अचानक से जो फ्लैश फ्लड आती है तो उसको लेके पूरी तैयारी रखें। ऐसे सुरक्षित जगहों का भी चिन्हांकन कर लिया गया जिले में और उनकी प्रॉपर कैंप अगर लगाने की स्थिति आती है तो उसकी व्यवस्था भी हम